मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई ये पीछे रोका है, बीच में सभी लोगों को आगे आ जाने दो जरा, पुलिस वाले बीच के गैप में सभी लोगों को आगे बुला ले जरा। क्यों भाई, क्या हो गया है? पिपरी वालों की आवाज को ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे गुना के सांसद श्री केपी यादव जी, श्री आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, राजू बाथम जी, विजेंद्र सिंह यादव जी, जगन्नाथ रघुवंशी जी, पन्नालाल साक्य जी, देवेंद्र जैन जी, महेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और क्लस्टर प्रभारी भाई भूपेंद्र सिंह जी, प्रीतम सिंह लोधी जी, जजपाल सिंह जज्जी जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और आज इस पवित्र धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं प्राचीन केदारनाथ जी, बीस भुजा देवी, कर्णी माता, करीला माता, संत रविदास जी और टेकरी सरकार को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं तब हम सबके लिए श्रद्धे श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजप की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जीता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है, केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव
देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुना। माताएं बहनें बैठी है, मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है देश में, और ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 4 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 10 करोड़ लोगों को सोलार पैनल लगाकर बिजली के बिल से मुक्त कराने का चुनाव है, और ये चुनाव 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, मगर मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। मुझे बताओ गुना वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खरगे साहब कहते हैं एमपी राजस्थान वाले, उनको कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खरगे साहब, आप इस देश को नहीं जानते हो, गुना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी? आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत हटाओ, मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है। हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, और मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाई और बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी देखिए, सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला, मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला, मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंचे, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों,
पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टिकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने नई संसद बनाई, मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया और मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सारे संसार में पहली बार हमारे चंद्रयान को उतारकर शिव शक्ति पॉइंट बनाने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्रायोरिटी एससी एसटी ओबीसी को दी। कांग्रेस पार्टी कहती है इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मंशा हम नहीं बढ़ाने देंगे। मैं आज गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। इसको कोई झुठला नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी रही। काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी आयोग नहीं बनाया, मोदी जी ने किया। नीट की परीक्षाओं में, मेडिकल के दाखिलों में और बाकी सारे केंद्रीय संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की, मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़ के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़ गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़ मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टर ग्वालटोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम किया। भाई और बहनों, 90 करोड़ से 2800 हेक्टर पनहेटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया। माधवराव सिंधिया सिंचाई योजना को 6 बाग बैराज निर्माण किया। 64,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना से
हमेशा के लिए यहां से सूखा विदाई हो जाएगा। भाई और बहनों, हमने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। मैं आज कहकर जाता हूं, सिंधिया जी पर मोदी जी का वरस्त है, एक बार इनके सम्मान के जितनी लीड से जिताइए। एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।